नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेशन की वह प्रणाली जो अमोनिया का उपयोग करती है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है। कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सामान्य रूम टेम्परेचर की तुलना में बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए इसका उपयोग एक क्षेत्र से गर्मी को अवशोषित कर दूसरे क्षेत्र में फैलाने के लिए किया जाता है, जो चीजों को ठंडा और सुरक्षित रखने का एक उत्कृष्ट विकल्प है। अमोनिया एक रसायन है जो तेज गंध के साथ साथ प्राणियों के लिए बेहद ही जहरीला और खतरनाक भी है, लेकिन CFCs और HCFC रेफ्रिजरेंट्स की तुलना में इसका पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न्यून है, जो इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट के लिए एक आदर्श विकल्प है। आज भी अधिकतर लोगों द्वारा CFCs और HCFC रेफ्रिजरेंट्स का उपयोग किया जा रहा है, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय सुरक्षा कवच ओजोन परत को तोड़ रहा है। इसलिए इन रसायनों के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और उनके लागत के कारण वे इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट के लिए एक आदर्श विकल्प नहीं है। अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है? अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसी सिद्धांत पर काम करता है जो बाकी के वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करते हैं। यह सिस्टम भी एक साथ काम करने वाले कई कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जो एक स्थान से हीट को हटाकर दूसरे क्षेत्र में डिसिपेट कर देता है। अमोनिया इसमें बेहद ही कुशल है, क्योंकि इसका बॉइलिंग प्वाइंट बहुत ही लो होता है, जो कि -27 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रेफ्रिजरेशन यूनिट कंपोनेंट्स सभी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ठीक और सुचारू रूप से काम करने के लिए कई उपकरण या कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। अगर उनमें से कोई एक भी खराब हो जाए या टूट जाए तो सिस्टम तुरंत काम करना बंद कर देगा। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी कंपोनेंट्स के नाम कुछ इस प्रकार है: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर। ये सभी कंपोनेंट्स किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मुख्य घटक होते हैं। अमोनिया रेफ्रिजरेशन साइकिल अधिकांश रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी उसी मूल तरीकों पर काम करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गर्म हवा लाकर उसमें से गर्मी निकालकर वापस भेजा जाता है, जहां इसकी जरूरत होती है। इस साइकिल में कंप्रेसर का उपयोग कर अमोनिया गैस को दबाया जाता है। दबाव बढ़ने पर यह गैस गर्म हो जाता है और ये कंडेंसर नामक कॉइल में आगे बढ़ता है, जहां इसकी हीट डिसिपेट हो जाती है, जिससे अमोनिया कंडेंस होने लगता है और लिक्विड रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो अभी भी हाई प्रेशर में होता है। हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया पाइप के अंदर यात्रा जारी रखता है और एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से आगे बढ़ता है। एक्सपेंशन वाल्व के अंदर एक पतला संकरा छेद होता है, जो लो प्रेशर में खुलता है। जब ऐसा होता है तो लिक्विड अमोनिया जल्दी उबलना शुरू कर देता है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि लिक्विड अमोनिया -27 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबल जाता है, जो बेहद ही ठंडा है। अमोनिया रेफ्रिजरेटर या कोल्ड रूम के अंदर के आसपास के हवा को ठंडा कर देता है। जैसे जैसे अंदर की हवा ठंडा होता जाता है, वैसे वैसे अमोनिया गर्म होता जाता है और अंत में इसे फिर से कंप्रेसर में खींच लिया जाता है, जहां फिर से वह रेफ्रिजरेशन साइकिल शुरू करेगा। दोस्तों, अमोनिया रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने के लिए ऊपर आई बटन पर दिए हुए वीडियो को जरूर देखें। अमोनिया के खतरे OSHA यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन नियमों की एक वैरायटी होती है, जिसका पालन करना बेहद ही आवश्यक है। सुरक्षा उपकरणों और रेफ्रिजरेशन यूनिट को अच्छी तरह बनाए रखने से कर्मचारियों के जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। कोई व्यक्ति अपने आसपास के हवा में 300 पार्ट्स प्रति मिलियन से कम के संपर्क में है तो वे चरम स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर सकता है, या यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अमोनिया के साथ सीधे संपर्क में आना मनुष्यों के लिए संक्षारक है। अगर किसी भी व्यक्ति के आंखों में या त्वचा पर अमोनिया चला जाए तो तुरंत उसे धोया जाना चाहिए और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने के लिए तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। अमोनिया में बहुत तेज गंध होती है, जो लोगों को स्वाभाविक रूप से ऑफेंसिव लगती है, जिसे इसके लीकेज की आसानी से पता लगाया जा सकता है।
जब लोगों को अमोनिया की गंध आना शुरू होता है तो वे उस क्षेत्र को जल्दी खाली कर सकते हैं, जिससे जान माल की हानि कम हो सकती है। अमोनिया भी काफी ज्वलनशील है। यदि हवा में 15% या उससे अधिक कॉन्सेंट्रेशन है तो यह आग के संपर्क में आने से जल उठती है। अमोनिया रिफ्रिजरेशन सिस्टम में अक्सर चिकनाई वाले तेल के साथ मिलाया जाता है, जिससे इसमें आग लगने या विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। अमोनिया रिफ्रिजरेशन प्लांट में फायर सेपरेशन सिस्टम यानी दमन प्रणाली रखने की सिफारिश की जाती है। अमोनिया रिफ्रिजरेशन के लाभ: उचित सावधानी और एहतियात बरती जाए तो पारंपरिक CFCs या HCFC आधारित यूनिट्स की तुलना में अमोनिया रिफ्रिजरेशन यूनिट्स के कई फायदे हैं, और बड़ी इंडस्ट्रियल स्थितियों के लिए अमोनिया रिफ्रिजरेशन यूनिट्स एक उत्कृष्ट विकल्प है। कुशलता: पारंपरिक CFCs या HCFC आधारित यूनिट्स की तुलना में अमोनिया रिफ्रिजरेशन यूनिट्स 3-10% तक अधिक कुशल होता है, जो बिजली बिल के खपत को कम करता है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। कम खर्चीला: अमोनिया रिफ्रिजरेशन यूनिट्स में पतले पाइप की आवश्यकता होती है, जो बनाने में बहुत कम खर्च आता है। बाकी अन्य मॉडलों की तुलना में इनकी लागत 10-20% तक सस्ता होता है। रासायनिक लागत: अमोनिया रिफ्रिजरेशन सिस्टम में CFCs या HCFC आधारित यूनिट्स की तुलना में प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए काफी आसान और सस्ता है। ओजोन सुरक्षित: CFCs या HCFC आधारित यूनिट्स की तुलना में अमोनिया रिफ्रिजरेशन यूनिट्स ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इसका ग्लोबल वार्मिंग में कोई योगदान नहीं है। पाइपिंग की आवश्यकताएं: जब भी अमोनिया रिफ्रिजरेशन यूनिट्स के साथ काम करते हैं या नए अमोनिया रिफ्रिजरेशन यूनिट्स लगाते हैं तो यह याद रखना आवश्यक है कि अमोनिया कुछ प्रकार के धातुओं के लिए संक्षारक हो सकता है। कॉपर पाइपिंग, जो आम तौर पर अन्य प्रकार के रिफ्रिजरेशन यूनिट्स में उपयोग की जाती है, का उपयोग अमोनिया के साथ काम करते समय नहीं किया जा सकता है, नहीं तो ये पाइप्स जल्दी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था अमोनिया रिफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।